ब्रेक के बाद आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में स्वागत है। संजय लीला भंसाली की इस फिल्म में दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। इतिहासकार इरफान हबीब ने दावा किया कि असलियत में कोई पद्मावती थी ही नहीं। जयपुर में जाने माने फिल्म निर्देशक संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती के सेट पर करड़ी सेना के हमले के बाद इतिहासकार भी इस मामले से सामने आ गए। वरिष्ठ इतिहासकार इरफान हबीब ने दावा किया है कि जिस पद्मावती के अपमान को मुद्दा बनाकर करड़ी सेना और दूसरे संगठन हंगामा मचा रहे हैं, वैसा कोई कैरेक्टर असलियत में था ही नहीं, क्योंकि पद्मावती पूरी तरह से एक काल्पनिक चरित्र है। इरफान हबीब ने कहा कि मशहूर लेखक मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावती की रचना की थी, असल में ये एक काल्पनिक रचना थी। जायसी ने इसे आधार बनाकर बहुत प्रसिद्ध उपन्यास लिखा था। हबीब ने कहा कि पद्मावती का इतिहास में 1540 से पहले कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। इस किरदार को 1540 में रचा गया, किसी भी इतिहासकार ने 1540 से पहले इसका उल्लेख नहीं किया। ये चीजें पूरी तरह से काल्पनिक है। हबीब ने कहा कि जायसी ने राजस्थान को आधार बनाकर एक रोमांटिक उपन्यास लिखा, क्योंकि राजस्थान एक रोमांटिक जगह है। उनकी परिस्थितियों के हिसाब के पद्मावती का किरदार फिट बैठता था, इसलिए उन्होंने उसे वास्तविक बनाकर पेश किया, लेकिन उसके आधार पर इतिहास में कोई बदलाव करना मुश्किल है। दरअसल करड़ी राजपूत सेना, राजपूत रानी पद्मावती और अलाउद्दीन खिलजी के बीच फिल्माए गए प्रेम दृश्यों से नाराज हैं, लेकिन इतिहास तो कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। जिसके मुताबिक मलिक मोहम्मद जायसी ने जब पद्मावत की रचना की, उस समय खिलजी का जन्म हुआ था। 1540 में पद्मावत की रचना हुई। राजा रतन सिंह, अलाउद्दीन खिलजी और रानी पद्मिनी सिर्फ पद्मावत के किरदार मात्र हैं। इतिहासकार इरफान हबीब के मुताबिक इन दिनों किरदारों को एक साथ लाकर डायरेक्टर सिर्फ एक कहानी गढ़ रहा है, जिसका इतिहास में कोई भी जिक्र नहीं है। इतिहासकार के मुताबिक पद्मावत में रानी पद्मिनी को श्रीलंका की रानी बनाया गया है और उनका राजपूतों से कोई संबंध नहीं लिखा है। करड़ी सेना को अपने किए गए उत्पातों का कोई भी अफसोस नहीं है, उल्टा वो ये कह रही है कि भंसाली की गलती है, उन्हें इतिहास से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए थी। राजपूत करड़ी सेना के संस्थापक लोकेंद्र सिंह कलवी ने कहा, हमारी नाक के नीचे राजपूतों की धरती पर हमारे पूर्वजों के इतिहास के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। उन्होंने कहा, जो चीजें इतिहास में नहीं है वो फिल्म में नहीं दिखाई जानी चाहिए। कलवी ने कहा, हमने यही बात जोधा अकबर के समय भी कही थी। उन्होंने सीधे सीधे चुनौती देते हुए कहा कि क्या भंसाली की हैसियत जर्मनी में जाकर हिटलर के खिलाफ फिल्म बनाने की है। कलवी ने फिल्म के खिलाफ करड़ी सेना के गुस्से को पूरी तरह से जायज ठहराया। फिल्म पद्मावती में ऐतिहासिक तत्वों से छेड़छाड़ के मामले में करड़ी सेना नाराज थी और उसने उत्पात मचाया। आज के हमारे इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे समाचार टाइम 24। नमस्कार।